सभी को मेरे स्नेह भरी नमस्कार। ठंड बढ़ चुकी है, उत्तरी भारत में पहाड़ों पर खूब बर्फबारी हो रही है, धुंध का भी प्रकोप बढ़ेगा। पौष का महीना 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा जो कि 6 जनवरी तक रहेगा। कुदरत का ये फिनोमिना है, हर साल यही ठंड का दौर हमेशा आता है दिसंबर के महीने में, कोई अलग बात नहीं है। हर बार ही लगता है कि भी इस बार ठंड जरा ज्यादा है। गर्मी का दौर आता है तो लगता है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कुदरत अपनी चाल चलती रहती है और हम कुदरत के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते रहते हैं और अपनी व्यवस्था में कुदरत को अपने अनुरूप बनाने के लिए लगे रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। पौष का महीना इस बार 5 शुक्र पड़ रहा है। शुक्र के पड़ने से, 5 शुक्र पड़ने से कला के क्षेत्र में अच्छा विस्तार होगा, नारी शक्ति को अच्छे अधिकार मिलेंगे, विस्तार होगा नारी के अधिकार क्षेत्र का। जैसे कि हम देखते ही हैं एमएलए या निकाय चुनाव में सब जगह नारी के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं और नारियों की संख्या में वृद्धि हो ही रही है शनै शनै। तो दिसंबर का महीना विशेष है नारी शक्ति को शक्ति प्रदान करने के लिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान उथल पुथल बनी हुई है, अन्य भी पड़ोसी देशों में भी कोई हालात भिन्न नहीं है। हालात तो अपने देश के भी कोई इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु प्रशासन जो है, सत्ता जो है, वो मजबूत हाथों में है। इसलिए परिस्थितियां विकट होते हुए भी उन्हें संभालने में सक्षम सरकार मौजूद है और इसका परिणाम रहा उपचुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को अच्छी सफलता मिली और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है और जय ठाकुर जी अच्छे बहुमत से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद का शीत सत्र भी शुरू होने वाला है, दिसंबर महीने में शीत सत्र भी चलेगा जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे बिल पेश होते हुए दिख रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं चलती रहेगी, जन कल्याण की योजनाओं का विस्तार होगा। आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ है, मजबूत है और आगे भी बेहतर विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष की मजबूती और विपक्ष का पस्त होना, जिस वजह से देश आगे बढ़ेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस माह में पड़ने वाले विशेष पर्व और त्योहारों की। 3 तारीख को गीता महोत्सव, गीता जयंती मनाई जाएगी। जैसे कि कुरुक्षेत्र में 1 से 3 तक गीता महोत्सव मनाया जाएगा। 3 तारीख को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती मनाई जाएगी। 7 तारीख को अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, 25 तारीख को क्रिसमस और मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पड़ेगी। 26 तारीख को पंजाब के फतेहगढ़ साहब में जोड़ मेले की शुरुआत होगी। 29 तारीख को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पड़ेगी। 8 दिसंबर को पूर्णिमा और 23 दिसंबर को अमावस पड़ेगी। तो ये कुछ मुख्य पर्व और त्योहार हैं। इसके अलावा अब हम ग्रहों की स्थिति भी देख लें कि ग्रह किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहे हैं मासारंभ में और 16 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगी। 16 तारीख को सूर्य की धनु संक्रांति होगी। मासारंभ में चंद्रमा कुंभ राशि से ही अपना यात्रा आगे शुरू करेंगे। मंगल वृष राशि में वक्री चल ही रहे हैं। बुध वृश्चिक राशि में मासारंभ में शुरुआत करेंगे और 2 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की चाल थोड़ी काफी उतार चढ़ाव भरी है क्योंकि बुध बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए कुछ कई बार इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं सूर्य से आगे निकल जाते हैं, तो फिर इन्हें पकड़ के पीछे लाना पड़ता है, फिर यही बकरी हो जाते हैं। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि बुध सबसे ज्यादा वक्री होने वाले ग्रह हैं, सूर्य के नजदीक होने के चलते और चंद्रमा के बाद सबसे चंचल ग्रह होने के चलते ये काफी उत्पाती माने गए हैं। अब 2 तारीख को धनु में जाएंगे और 27 को मकर में चले जाएंगे और 29 को वक्री हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ही मकर में गए तुरंत वक्री हो गए 29 तारीख को और 30 तारीख को फिर वापस धनु में आ जाएंगे। तो बुध की चाल काफी इंटरेस्टिंग है इस बार। बृहस्पति पूरा महीना मीन राशि में ही रहेंगे, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और शनि मकर राशि में ही विचरण करेंगे मार्गी चाल से चलते हुए। शुक्र वृश्चिक राशि में मासारंभ में और 5 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगे और महीना खत्म होते होते 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मेष राशि में ही रहेंगे और केतु तुला राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब इससे आगे हम शुरुआत करते हैं अपने मासिक राशिफल की। कर्क राशि, मासारंभ में कर्क राशि का चंद्रमा कुंभ का मासारंभ भी अष्टम चंद्रमा से हो रही है। देखिए आपके लिए तो बहुत विशेष है ये माह, क्योंकि चंद्र अष्टम की स्थिति आगे 27, 28 और 29 को भी बनेगी। पूरे माह में 4 दिन चंद्र अष्टम है। अब कर्क राशि एक भावुक राशि है, ये लोग भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं और चिंता इनको जल्दी घेर लेती है, नेगेटिविटी इन पे जल्दी हावी हो जाती है। एक और वजह है कि 3-3 पापी ग्रह केंद्र में है, दशम में राहु, 7वें में सहग्रही शनि और 4थे में केतु। माता भी चिंता का विषय बनी हुई है, पिता भी और पत्नी भी। आय स्थिति उत्तम है, आय में मंगल आय स्थान में बकरी बैठे हुए आय को बहुत मजबूती दिए हुए हैं और वहां से मंगल की दृष्टि 4थी धन स्थान पे भी पड़ रही है और शत्रु घर पे भी पड़ रही है, शत्रुओं के लिए भी मंगल काल बने हुए हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हुआ बहुत अच्छे फल दे रहा है। मार्गी होने के बाद से बृहस्पति का अमृत बरसना शुरू हो गया है आपकी राशि पे। इन सब विकट परिस्थितियों से उबरने के लिए वो आपको बहुत आत्मबल प्रदान कर रहे हैं। आत्मबल आपके 3रे घर पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, आत्मबल की वृद्धि हो रही है। संतान पक्ष में जरूर सूर्य बैठा हुआ है, फिर वो 16 तारीख को 6ठे भाव में चला जाएगा तो संतान पक्ष से भी अच्छा समाचार मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है और जीवन साथी से भी सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वग्रही शनि अपने घर को बचाए हुए हैं तो इसलिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो आपको चंद्राष्टम की तिथियां 1, 27, 28 और 29 की स्थिति बन रही है तो चंद्रमा को बल दीजिए, चांदी धारण कीजिए, हमेशा चांदी पहन के रखें जिससे आपको नेगेटिव एनर्जी से बचने में बहुत मदद मिलेगी। अब चेंज ऑफ सीजन में जनरली आपको एलर्जीज वगैरह बहुत तंग करती हैं, उस स्थिति में भी आपको लाभ होगा अगर आप चांदी धारण करते हैं। और वैसे आप भोले भंडारी शिव शंकर की शरण में रहें, शिवालय जाएं, शिवलिंग का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अवश्य लाभ होगा।